हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है ये शॉल से पोंचो, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस एक कट मारना है हमें और दो सीधी सिलाई करनी है और हमारा पोंचो रेडी हो जाएगा। तो अगर आपके पास भी कुछ पुरानी शॉल्स पड़ी हुई है तो आप इस तरीके से बना के बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अगर आप को स्टिचिंग नहीं भी आती है तो भी आप इसे बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज का वीडियो। और अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो डायरेक्टली पहले कपड़े पे करने से अच्छा मैं आपको पेपर में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने झालर बनाई है ये शॉल की इस पेपर में, और इस पेपर को इस तरीके से मैं हाफ हाफ फोल्ड कर ले रही हूँ पूरा। और फिर यहाँ से इसको इस तरीके से काटना है आपको, और फिर कट होने के बाद ये इस तरीके से दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हो कि अभी इसमें मैं मार्किंग कर रही हूँ, रॉन्ग मतलब कि गलत साइड हमारे कपड़े का उल्टा साइड, और राइट मतलब कि सीधा साइड हमारे कपड़े का। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली ताकि हमें समझ में आए। और ये राइट पार्ट में मैं ये जो दूसरा पार्ट है, जो राइट पार्ट है उसके अंदर, उसको भी अंदर की तरफ कर लूँगी। और इस तरीके से यहाँ पे एक स्टिच मारनी है हमें। तो अभी मैं स्टेपलर की हेल्प से आपको बताती हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे हमें स्टिचिंग करनी है। और अब ये वाला जो पार्ट है नीचे का झालर, ये जो है इसका जो ये साइड का जो पार्ट है वो मैं इस तरफ में अटैच करूँगी। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से प्लेस करना है। और यहाँ पे भी हमको स्टिचिंग करनी है। मैं अभी आपको स्टेपलर से बता रही हूँ स्टेपल करके कि इस तरीके से यहाँ से हमको, यहाँ पे भी हमको स्टिचिंग करना है। और ये हमारा पोंचो बनके रेडी है। ये उल्टा पार्ट है, अब इसे हमें सीधा कर लेना है अच्छी तरीके से। तो अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। और सीधा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है हमें। तो बस अब ये हमारा पोंचो बनके रेडी है। इसके तीनों कॉर्नर एक दूसरे को मैच हो रहे हैं। और आप देख सकते हो, मैं आपको फिंगर डाल के बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारा नेक आएगा, ये हमारा नेक आएगा, और ये इस तरीके से हमारा पोंचो बनेगा। तो चलिए अब इसे कपड़े पे शुरू करते हैं बनाना। तो आप देख सकते हो ये मैंने शॉल ली है, और इस तरीके से ये शॉल को मैं फोल्ड कर रही हूँ। इसको पूरा हाफ हाफ फोल्ड कर लेना है अच्छी तरीके से। और अब इंच टेप की हेल्प से, मेजरिंग टेप की हेल्प से मैं इसका जो लेंथ है वो ले रही हूँ। 38 इंचेस इसकी लेंथ है, लेंथ ज़्यादा रहनी चाहिए। और इसकी जो विड्थ है वो लेंथ से 10 इंचेस कम लेना है हमें। जैसे कि लेंथ 38 है तो विड्थ मैं इसकी 28 लूँगी। तो 28 हम इसकी विड्थ लेंगे। तो जितनी भी लेंथ है विड्थ उससे माइनस 10 कर लेना है। तो मैं इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और इस तरीके से मार्किंग करके हमें इसको कट कर लेना है। तो बस अभी सीजर की हेल्प से मैं जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है शॉल का, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसे काट रही हूँ। आप इस तरीके से कोई दुपट्टे से भी पोंचो बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पोंचो टॉप बन सकता है आपको। अभी तो हम शॉल से इसे बना रहे हैं। आप कोई, आपके पास दुपट्टा होगा उसको भी यूज़ करके बना सकते हो। तो बस इसे इस तरीके से काट लेना है, और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है हम हटा लेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा सिलाई अगर आपको करनी है तो आप टर्न करके सिलाई कर सकते हो। और अब ये शॉल जो है उसको
इस तरीके से यहाँ से कट कर लेना है पूरा। अब मैंने ये शॉल आधी आधी पूरी काट ली है और अब आप देख सकते हो इसका जो ये राइट पार्ट है उसको मैं इस तरीके से रख रही हूँ और ये राइट पार्ट है उसको दूसरे राइट पार्ट पे अंदर की तरफ प्लेस करके ये जो झालर है इस तरफ में इस तरीके से प्लेस करके आप देख सकते हो कि मैं प्लेस कर रही हूँ इसको अच्छी तरीके से और बस प्लेस करके इसको यहाँ से स्टिच करना है। तो आप हाथ से सिलाई कर सकते हो या मशीन यूज़ कर सकते हो, मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ तो बस मैं एक सीधी सिलाई मारूँगी यहाँ से। और लॉक करना मत भूलिएगा सिलाई करने के बाद। तो मैं इसे अभी लॉक कर रही हूँ और आप देख सकते हो मैंने इस साइड पूरा स्टिच कर लिया है इस तरीके से और अब इसे अच्छी तरीके से प्लेस करके अब ध्यान से देखिए ये जो पार्ट है इसे मैं धीरे से उठा के यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ और बस यहाँ पे भी एक सीधी सिलाई मार लेनी है। आप मशीन से मारिए या फिर हाथ से सीधी सिलाई मार लीजिए। तो मैं अभी मशीन यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से सीधी सिलाई मैं पूरी मार लूँगी यहाँ पे। और बस इसे मैं लॉक कर रही हूँ और स्टिच होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। बस अब इसे मैं सीधा कर रही हूँ तो बस इस तरीके से इसको टर्न करके सीधा कर लेना है और बस इसके जो ये कॉर्नर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अब बराबर प्लेस होने चाहिए, मतलब कि हमारा पोंचो प्रॉपर बना है और रेडी हो गया हमारा पोंचो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस तरीके का कुछ पोंचो बनाए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे कोई DIY आर्ट एंड क्राफ्ट या स्टिचिंग या फिर कुकिंग की कोई वीडियोस देख के अगर आप कुछ बना रहे हो तो मुझे आप मेल कर सकते हो उसके फ़ोटोज़। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका फ़ोटो शेयर करूँगी मेरे वीडियो में। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।